2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार की शाम सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और सीओ कैंट सुमित शुक्ला के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ शहर के गोलघर स्थित चेतना तिराहे से कचहरी चौराहा, टाउन हॉल, गणेश चौराहा होते हुए काली मंदिर तक पैदल गश्त करते हुए आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास जगाया गया। साथ ही कोविड-19 की जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए दुकानदारों और राहगीरों को जागरूक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष में शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं और गलियां हैं वहाँ पे पुलिस के साथ गश्त किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि शांति व्यवस्था को किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि आम जनमानस द्वारा जो कोरोना के प्रति गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या भी चेक किया जा रहा है कि लोग मास्क निकाल के तो नहीं घूम रहे हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संयुक्त भ्रमण किया गया पुलिस के साथ और ये आगे भी जारी रहेगा।